पता भी नहीं, मैं तो छोटा सा बच्चा अपना जो रेगुलरली करता हूँ वीक में वही काम कर रहा था। आई एम गोना कट। मैं जब इसके पेरेंट्स से मिला था ना, इसके फादर एंड हैप्पी के उन्होंने देखा, मतलब वो जब दुनिया से चले गए तो उन्होंने मारियो को देखा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ साहिल एंड मारिया। So I hope you guys are doing good. This long time I don't come here because last week I was not in the video. Yeah, क्योंकि मैं travel कर रहा था तो I was just busy, super busy. So हम वो video बना नहीं पाए. But अब Christmas is near, Christmas pass me and Maria, she is super excited. Yeah. And I can't wait. Yeah. So आज काफी मुझे जो हमने पूछा था कि हमें किस चीज पे video बनाए. So wait. Don't forget to like, subscribe, share your channel, please. Yes. We're gonna celebrate soon 1 year, right? Yes, soon हम एक साल अपना YouTube पे complete करने लगे and we are expecting के हम अपना जो 1000 followers भी cross कर जाएंगे. एंड आज जो है, मैंने आपको बोला था कि मुझे आप सजेशन दो कि मैं किस चीज पे वीडियो बनाऊँ. सो मुझे काफी फॉलोअर्स ने बोला जो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं कि आप अपने जैसे मैं सबको पता ही है कि मैं लिविंग रिलेशनशिप में रहता हूँ मारिया के साथ. दैट इज नॉट बिग थिंग आई थिंक, बट मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ. एंड आई नो इट्स अ बिग थिंग एक्चुअली. सो उनको मैंने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया मारिया के लिए टू लिव विद हर इन लिविंग रिलेशनशिप. सो इट वॉज नॉट ईजी टास्क फॉर मी. तो काफी लोग कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स काफी ब्रॉड माइंडेड हैं, ओपन माइंडेड है कि चलो ठीक है अगर लड़का लड़की के साथ रह रहा है तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है एक्चुअली फ्रॉम माई साइड. अभी मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ. सो हाउ आई इट स्टार्टेड कि जब मैंने मारिया को मतलब डेट करना शुरू किया तो आई वॉज लाइक कि मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाना पड़ेगा. एंड मारिया को भी लड़कियों को भी शॉर्टी चाहिए होती है ना कि यार हाँ लड़का सीरियस है. एंड दैट टाइम यू नो मुझे तो फॉरन लड़की से मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई एम गोना डेट सम फॉरनर गर्ल. तो सो और मेरी इससे पहले मारी से पहले कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी. तो मतलब तो कोई आइडिया ही नहीं था कि लिविंग रिलेशनशिप का. तो हमारे आज तक पूरे इंटायर फैमिली में कोई लव मैरिज हुई नहीं है. तो गर्लफ्रेंड की तो शी इज द फर्स्ट वन. सो और गर्लफ्रेंड वाली थ्योरी तो हमारे फैमिली में समझ ही नहीं आती ना. सो इवन एक इंसिडेंट मुझे फन इंसिडेंट याद है. आई यूज टू गो टेम्पल ना एवरी थर्सडे. तो मैं थर्सडे भी सैटरडे ट्यूजडे मैंने वेरी यंग. सो आई वॉज वो लाइन नहीं लगती मंदिर के बाहर, तो वहाँ लाइन लगी हुई थी. तो मेरे डैड के फ्रेंड ने, वो भी वहाँ पे थे, उन्होंने देखा कि मैं दो लड़कियों के साथ खड़ा हूँ. बट एक्चुअली मैं जस्ट खड़ा हुआ था लाइन में, बट वो मेरे आगे पीछे हो गया और मुझे पता भी नहीं. मैं तो छोटा सा बच्चा अपना जो रेगुलरली करता हूँ वीक में वही काम कर रहा था. सो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने आगे मेरे पेरेंट्स को बता दिया, पापा को बता दिया. और पापा काफी स्ट्रिक्ट थे. उन्होंने मुझे, दिसंबर की बात है मुझे याद है, 26-27 दिसंबर की, मतलब लास्ट में जो काफ़ी ठंड पड़ी होती है उस टाइम की बात है, मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया. कि मतलब ये तो क्राइम था कि मैं कैसे, इवन उन्होंने मेरा सुना तक नहीं, उन्होंने अपने जस्ट फ्रेंड के कहने पे मुझे मतलब डिसीजन दे दिया. देन मुझे याद है आज भी कि मॉम ने 3 बजे मुझे घर पे घुसाया पापा से रिक्वेस्ट करके कि ही नॉट गोना डू अगेन. और एक्चुअली मैंने कुछ किया भी नहीं था. मतलब ये हो गया, रेस्टोरेंट का मैं खाना खाया नहीं और बिल भरना पड़ गया. तो मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ. इवन मेरी सिस्टर है, शी गॉट मैरिड ऑल्सो, उनकी भी अरेंज मैरिज हुई थी. सो हमारे में ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला तो कभी सिस्टम आया ही नहीं है. इवन मैं इस इंडस्ट्री में था तो भी तो मैंने सोचा था कि शादी तो मॉम डैड के उससे ही करेंगे आगे. और इवन गर्लफ्रेंड का तो कोई वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था. तो उसके बाद जब मैं मॉम डैड और लाया तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था. तो मैंने अपनी सबसे पहले ग्रैंड मदर से इसको इंट्रोड्यूस कराया. और क्योंकि मुझे था कि उसका अप्रूवल मिल गया तो कोई मुझे रोक नहीं सकता. सो मैंने उनको एक बार मिलवाया. मैंने कहा देखो लड़की अच्छी है, शी इज़ वेरी नाइस, कम फ्रॉम वेरी गुड फैमिली. और आजकल किसी गारंटी नहीं है यार, मतलब विदेशी हो देशी हो किसी गारंटी नहीं है ना. तो इसको तो एटलीस्ट मैं जानता हूँ, मैं इसके साथ टाइम स्पेंड किया है एंड आई थिंक शी इज़ द वन. सो ग्रैंड मदर ने अप्रूवल वहां से दिया बड़ी रिक्वेस्ट के बाद, बट वेरी मतलब अच्छे तरीके से, बहुत पोलाइटली तरीके से मैंने बताया उनको. एंड जब मैं घर लेके आया तो उस टाइम मेरे मॉम, मेरी सिस्टर की शादी हुई थी. तो वो क्या कहते हैं, मेरी सिस्टर की शादी हुई तो जो घर में स्पेस था ना लड़की का, वो बेटी का, वो चला गया था. तो मैंने तब मारिया को इंट्रोड्यूस कराया एंड शी इज वेरी क्यूट. टाइमिंग मेरी राइट थी, टाइमिंग मेरी राइट थी. और मेरा ब्रदर का भी ऐसे ही था कि यार ये भाई इसका तो बड़ा ही दिल है, मतलब जो लड़का कर रहा ना. मुझे तो ऐसा था कि मेरे फैमिली वाले बायकॉट कर दे कि मतलब मैं एक साइड हो जाऊंगा. बट
थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. मैंने उसको उनको दिखाया कि मतलब जो हमें दिखाया जाता है वैसे भी नहीं होता. मतलब बाहर की लड़कियां भी हमारी तरीके से सोचती, दे अंडरस्टैंड फैमिली वैल्यू, दे अंडरस्टैंड यू नो कि किस तरीके से फैमिली को जोड़ा जाता है, कि हाउ शी कैन टेक केयर ऑफ मी. सो दिस इज हाउ शी कन्विंस देम एंड शी इज़ अ ग्रेट पर्सन. मतलब कोई भी मतलब अगर आई एम सो लकी आई हैव हर, तो वो जॉब काफ़ी मेरी ईजी होगी थी. तो एंड शी इज अमेजिंग, ट्रस्ट मी, शी इज अमेजिंग गर्ल, वेरी हम्बल. My parents, I told them like, okay, I am in relationship with some guy, you know. And the parents, they know, like, I don't know because they're not parents, but I think they feel when someone is good, you know, because they do not met Sahil, but perfect. somehow they felt like he's a good man, you know, like he's taking care of my daughter. I'm gonna cut. मैं जब इसके पेरेंट्स से मिला था ना, इसके फादर कहते हैं ये एक्टर है, क्योंकि हाउ ही कैन बी सो नाइस. मतलब ही डोंट ड्रिंक, ही डोंट स्मोक, ही इज अ वेजिटेरियन गाय, ही रिस्पेक्ट फैमिली, ही अंडरस्टैंड कल्चर. कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ तो झोल है मतलब. बट मैंने उसको बताया हमारे इंडिया में यार देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दिस. हम अपना फैमिली से जुड़ के रहते हैं, मतलब इट्स नॉट नॉर्मल ना कि पीता खाता नॉर्मल आई थिंक, क्योंकि मेरी फैमिली में आई थिंक इस कोई करता नहीं है, तो हमारे लिए तो ये नॉर्मल था. बट फॉर देम इट वाज लाइक बिग थिंग. तो आई वाज लाइक ओके, इज इट योर प्रूफ. दे कुड सी लाइक हाउ मच, बिकॉज़ समटाइम्स दे यूज्ड टू मेक वीडियो कॉल्स, सो आई यूज्ड टू शो हिम आल्सो लाइक अ बिट, सो समहाउ दे फेल्ट ही वाज गुड एंड दे लाइक हिम, दैट दे नो हिम, दे लाइक हिम. And of course, with time, they say, please come here, bring him also, because we need to meet him in person. Because of course, things completely change once you see face to face and you feel that person energy also. So once he went to Brazil, like everyone loved him, you know, like everyone treated him super good. And every day I talk with my mom and my father, and there is not a single day which they don't ask about Sahil, about his parents. Even they don't know his parents and they cannot communicate because of language. My parents don't speak English at all. But when he was there, I was like, my father used to tell me, I used to translate to Sahil, Sahil tell me, I translate to my father. So that was communication between them. But I believe there is bigger communication than language. It like you feel, you know, like you feel that person. Oh, you can feel energy na, aap kahin bhi ho, matlab आप एनर्जी फील करते हो. मतलब अगर आप बहुत गूंगे भी होते हो ना एक्चुअली, तो वो भी बंदा अपना मतलब एनर्जी शेयर करता है अपना, आपका बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि आप किस तरीके के पर्सनैलिटी हो. सो आई थिंक वी बोथ डिड अमेजिंग जॉब विद आवर फैमिली. आई एम श्योर के जो इंडियंस ऑडियंस देख रहे, दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन रिलेट के हमारे यहाँ पे कितना डिफिकल्ट होता है to convince their family. Girlfriend का तो सीन ही नहीं है ना, वो तो मतलब हमारे कल्चर ही नहीं है यार. और मेरे बहन बताया मेरी इंटायर फैमिली में कि अगर आप 10 पुछते उठा लोगे किसी की लव मैरिज, उनको पता ही नहीं है. और मेरी ग्रैंड मदर शी इज 85 प्लस, उनको कन्वेंस करना इट वॉज लाइक थर्ड वर्ल्ड वार जीती जा सकती है. बट इसका नहीं पता था कि ये होगा. बट थैंक गॉड के थिंग्स वेंट वेल एंड वी आर हैप्पी. लाइक आई एम हैप्पी कि हमने जो भी डिसीजन लिया, एंड आई एम गोना मेक श्योर, क्योंकि शी इज समवन डॉटर. नाउ देयर इज नो वे टू गो बैक बिकॉज़ नाउ इज द देयर इज नो यू टर्न. नो ना, हमारे यहां पे हिंदुस्तान में And one more thing I want to say, many people ask like, okay, when you guys gonna marry, all these things. We're gonna marry one day in the right time, in the right moment. You know, everyone have a different time in life and our timings also, you know, like, we want, that is sure, but not now. Like, it's something in the future. अभी मैं बच्चा हूँ, खेलने कूदने की उम्र है, अभी तो मुझे दुनिया देखनी है. We need like, you have no, to... No, we need time, yeah. Time, you yeah. know, like, first we have to make our life, and then we can yeah. think about रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी दैट आई थिंक अभी मैं खुद अपने जो मेरे काम की वजह से, हमारी काम की वजह से, वी कैन नॉट यू नो स्टे इन वन प्लेस, समटाइम वी हैव टू ट्रैवल. और जब आपकी वो इवन आई वॉन्ट डॉग, शी वॉन्ट डॉग, बट वी कैन नॉट हैव इट. बिकॉज मेरा मानना है कि अगर आपके पास कुछ एनिमल है, कोई यू हैव समवन, यू हैव टू, यू शुड टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं वो नहीं चाहता कि एक महीना हो यहाँ पे, एक महीना कहीं पे और बेचारा. तो आई डोंट वांट टू बी मीन, और शी डोंट वांट टू बी ऑल्सो मीन. And it's not like I live super far from here, so there is many responsibilities also which we have to think with my family, with his family. So this is the thing.
But when are you gonna marry? You guys gonna know? And I think someday I'm gonna make video with my mom dad also someday. Ke when उन्होंने जब इसको पहली बार देखा था कि पहली बार जब मारिया को देखा था तो उनका क्या मतलब अंदर से you wanna know the reaction. But don't think everyone treated me good because there was some people who do not accept me in the beginning. We fought a lot of fight actually. Not in my family but outsider होते हैं ना आपके friends वो आपके गांव के relatives तो उनको you have to you know you cannot make everyone happy तो but somehow we the good thing was कि मेरी family ने हमेशा support किया my grandmother my uncle they were always very मेरे चाचा actually they were always very supporting to us and I'm not gonna be emotional because जिन्होंने सबसे पहले इमोशनल इसको सपोर्ट किया था मेरे ताऊ जी उन्होंने बोला था कि जब उनके अभी सन की शादी हुई थी लास्ट ईयर तो उन्होंने बोला था कि कोई और सपोर्ट करे ना करे हम ज़रूर करेंगे और सबसे पहले जो कार्ड जाएगा वो मारिया के पास जाएगा सो उन्होंने अपना प्रॉमिस भी रखा जबकि वो जा भी चुके थे एंड आई एम हैप्पी कि उन्होंने देखा मतलब वो जब दुनिया से चले गए तो उन्होंने मारियो को देख लिया था सो या दिस वाज आवर स्टोरी एंड इफ यू गाइस वांट टू नो मोर वी आर गोना मेक मोर वीडियोस सून टेलिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस कीप सब्सक्राइब वाचिंग आवर वीडियोस डोंट वॉच अ लिटिल बिट वॉच फुल प्लीज And I am very happy to have him and his family with me because they are such a great people. You know, they treat me very good because somehow they do not know anything about me, about my family, but his parents always accept me with open heart and they treat me exactly like I am their daughter. So I am very grateful for this and this is the best thing you can get. You know, you get love, you get good energy from people, so I am very happy and I am very glad. And thank you so much. Keep supporting us. And जरूर बताइएगा next video में हम क्या करें and जो भी अच्छा लगे comment box में जरूर बताइएगा. In your YouTube and go there, put your answer. Okay. Bye. जो card जाएगा वो मारिया के पास जाएगा. So उन्होंने अपना promise भी रखा जबकि वो जा भी चुके थे. And I'm happy कि उन्होंने देखा मतलब वो जब दुनिया से चले गए तो उन्होंने मारियो को देखा पता भी नहीं मैं तो छोटा सा बच्चा अपना जो रेगुलरली करता हूँ वीक में वही काम कर रहा था छोटा सा बच्चा था 16-17 year old so उसके बाद क्या हुआ उन्होंने आगे मेरे पेरेंट्स को बता दिया पापा को बता दिया और पापा काफी स्ट्रिक्ट थे उन्होंने मुझे दिसंबर की बात है मुझे याद है 26-27 दिसंबर की मतलब लास्ट में जो काफ़ी ठंड पड़ी होती है उस टाइम की बात है मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया कि मतलब ये तो क्राइम था कि मैं कैसे इवन उन्होंने मेरा सुना तक नहीं उन्होंने अपने जस्ट फ्रेंड के कहने पे मुझे मतलब डिसीजन दे दिया देन मुझे याद है आज भी कि मोम ने 3 बजे मुझे घर पे घुसाया पापा से रिक्वेस्ट करके कि ही नॉट गोना डू अगेन